तलबा, मैं साद भाई फिजरुद्दीन ऐनुद्दीन, जिला परिषद उर्दू स्कूल राजनगांव, तालुका चालीसगांव, जिला जलगांव। प्यारे तलबा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत तारीखी मुल्क है, बहुत पुराना मुल्क है और इस पर कई राजाओं और बादशाहों ने कई सालों तक हुकूमत की, जिसमें चंद बादशाहों के नाम मैं आपको बताता चलूं। जैसे कि गौरी सल्तनत, हमारे मुल्क पर कई सल्तनतों ने बहुत सालों हुकूमत की, जिसमें गौरी सल्तनत के मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश वगैरह बादशाहों ने कुल 97 साल हुकूमत की। उसके बाद खिलजी सल्तनत का आगाज हुआ, जिसमें जलालुद्दीन फेरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर शाह वगैरह बादशाहों ने कुल 30 साल हुकूमत की। उसके बाद दौर आता है तुगलक सल्तनत का। तुगलक सल्तनत के गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फेरोज शाह वगैरह ने कुल 94 साल हुकूमत की। उसके बाद सईद सल्तनत का आगाज हुआ, जो 37 साल का दौरे हुकूमत रहा। उसके बाद आई लोधी सल्तनत, जिसमें बहलुल लोधी, इब्राहिम लोधी वगैरह बादशाहों ने कुल 75 साल इस हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उसके बाद सूरी सल्तनत का आगाज हुआ, जिसने तकरीबन 16 साल हुकूमत की, जिसमें शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, इब्राहिम सूरी वगैरह बादशाह शामिल थे। उसके बाद आता है मुगलिया सल्तनत का दौर, जिसने बहुत सालों तक हुकूमत की, जिसमें आपने मुगल बादशाहों के नाम सुना ही होगा। सबसे पहला बादशाह मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, उसके बाद हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर इनके बाद शाह आलम अव्वल, महमूद शाह, अहमद शाह वगैरह। बहुत सारे बादशाहों ने अपने हिंदुस्तान पर कुल 315 साल हुकूमत की। जिस वक्त हिंदुस्तान पर औरंगजेब बादशाह थे, उस वक्त जुनूब में महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में शिवाजी महाराज, उनके बेटे संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के भाई वेंकोजी महाराज वगैरह, और इसके अलावा आदिलशाही और कुतुबशाही हुकूमत भी हमारे महाराष्ट्र के आसपास मौजूद थी। उस वक्त के दौर में हर बादशाह यही चाहता था कि मेरी हुकूमत बढ़े, मेरी हुकूमत तरक्की पाए। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें करते थे, तरह तरह की हिकमत अमलियां अपनाते थे। बिल्कुल इसी तरह से जिस वक्त महाराष्ट्र और इसके आसपास आदिलशाही हुकूमत और कुतुबशाही हुकूमत तरक्की कर रही थी और खुद बादशाहों को औरंगजेब ने खत्म कर दिया था उनकी हुकूमत को, उसी तरह से शिवाजी महाराज की हुकूमत को बढ़ाने के लिए, शिवाजी महाराज का तो इंतकाल हो चुका था, लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज और उनके जो साथ वाले बादशाह थे, वो अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए कोशा थे। जैसे कि पिछले सबक में हमने देखा कि शिवाजी महाराज की मौत के बाद संभाजी राजे की मेहनत, राजाराम महाराज और इनकी बीवी महारानी ताराबाई की जद्दोजहद के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। अभी सबक में हम देखेंगे कि मराठा हुकूमत की तौसी के लिए शाहू महाराज और उनके जो साथ वाले, उनके दोस्त थे या उनको अच्छा जानने वाले थे, उन्होंने किस तरह से इनका साथ दिया, और शाहू महाराज और मराठा सरदार, इन्होंने अपनी हुकूमत की तरक्की के लिए कैसी कैसी हिकमत अमलियां अपनाई, कैसे जंगों का मुकाबला किया, कैसे जंगें लड़ी वगैरह, ये तमाम बातें इस सबक में हम देखेंगे।